तो अभी अपन जो वर्कशीट में से क्वेश्चन ले रहे हैं उसका नंबर वर्कशीट में इलस्ट्रेशन नंबर 77 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कोई पूरी बैलेंस शीट नहीं पूछी है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल पूछी है। और हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यानी आपको एक तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करनी है और एक करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। तो इसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या रखा है, बजटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये लाइन तो मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ तक कैलकुलेशन में काम आएगा आपने। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में आपको दे रखा है 9 लाख और कहता है इसमें कैश और क्रेडिट का जो रेशियो है वह 1:4, ठीक है, 1:4। तो ये आ गया 180 तो इस साइड आ जाएगा और 184 720 यहाँ आ जाएगा। ये कैश है और ये क्रेडिट है, ठीक है। और थोड़ा सा ट्रेड रिसेबल वेलोसिटी ये भी अपनी काम आ सकती है। जीपी दे रखा है 20% ऑन सेल्स। देखो सेल्स में से अगर हम जीपी को लेस कर दें तो कॉस्ट आ जाती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। सेल आपकी कितनी है, 9 लाख और जीपी इसका 20% है, दैट इज 1,80,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 7,20,000। ये भी 720 कोइंसिडेंट है कि क्रेडिट रेवेन्यू भी था। ये कोई रूल नहीं होता है कि जितना क्रेडिट होगा उतना कॉस्ट होगा, ये बैठ के रूल मत बना लेना आप। चलो फिर आपको थोड़ा सा ऊपर दे रखा था ट्रेड वेलोसिटी, ट्रेड रिसेबल वेलोसिटी दे रखी है 2 मंथ। देखो ट्रेड रिसेबल वेलोसिटी दे रखी है आपको 2 मंथ। तो वेलोसिटी को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, 12/2 कर देंगे तो ये आ जाएगी 6 टाइम्स। इसके बगैर भी ऐसे कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि 2 महीने में एक बार होती है तो साल में कितनी बार हो जाएगी, 12/2 कर लो, 6 टाइम्स। और ट्रेड रिसीबल टर्नओवर रेशो का आपका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीबल। अब एवरेज के लिए ओपनिंग क्लोजिंग की जानकारी आपको चाहिए होगी, वो है नहीं, तो फिर एवरेज की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, क्लोजिंग ट्रेड रिसीबल। और ट्रेड रिसीबल टर्नओवर रेशो आपने निकाला है 6 टाइम्स अभी निकाला, और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा क्रेडिट रेवेन्यू आपका 720 है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीबल आपका कितना आ जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीबल आपका आ जाएगा 720/6 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120। तो इससे आपको एक करंट एसेट पता लग गई, ठीक है। और आपको दे रखा है ट्रेड पेबल वेलोसिटी भी दे रखी है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, पर उससे पहले इन्वेंट्री का कर लें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको दे रखा है 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको दे रखा है 8 टाइम्स। फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यह ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 7,20,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी, ये आपकी निकलेगी 90,000। ये लो जी एवरेज इन्वेंट्री निकल गई। अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री जब आपको पता लग गई तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, और एवरेज इन्वेंट्री आपकी निकली है 90,000। और लास्ट लाइन में लिखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 40% ओवर इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। यानी ओपनिंग अगर एक्स है तो क्लोजिंग उसका 40% ज्यादा है, यानी 1.4x होगा। ये 1 है तो ये 1.4 होगा, 19 × 2 = 180 = 2.4x। सो x इक्वल्स टू 180 / 2.4। तो इससे आपकी ओपनिंग जो इन्वेंट्री है ना वो निकल जाएगी 1,80,000 / 2.4 और ये आपकी निकल रही है 75,000। और क्लोजिंग इसका 1.4 टाइम्स है तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 × 1.4 आपका हो जाता है 1,05,000। तो ये आपकी निकल गई क्लोजिंग इन्वेंट्री।
तो ये भी आपकी करंट एसेट्स है, क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल भी आपकी करंट एसेट्स है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आ गया। अब आप जा सकते हैं ट्रेड पेएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, सिक्स टाइम में अपन ने कन्वर्ट किया था, तो ट्रेड पेएबल वेलोसिटी आपको दे रखी है 36.5 डेज, तो 365 में ऐसा कितनी बार हो जाएगा, तो आप कह सकते हो सर 10 टाइम्स हो जाएगा। तो अब आप ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो लगा सकते हो, फॉर्मूला आपका होगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज, तो दे नहीं रखा तो क्लोजिंग लेते हैं, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। सर नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, हमको तो परचेज ही नहीं पता, तो क्रेडिट परचेज की तो बात ही नहीं है। तो याद करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक फॉर्मूला और भी होता है, क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डेड एक्सपेंस, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन को यहां से पता है 7,20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री हमको यहां से पता है 75,000, परचेज हमें पता करना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,05,000। तो ये प्लस माइनस माइनस 30 आ जाएगा और माइनस 30 यहाँ के प्लस 30 हो जाएगा, तो परचेज आपकी निकल जाएगी 7,50,000। क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो यही क्रेडिट है, ये क्रेडिट परचेज है 7,50,000 अपॉन क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स, और टर्नओवर रेशियो आपने निकाला है 10 टाइम्स, तो क्लोजिंग ट्रेड पेएबल इससे आपका निकल जाएगा 75,000। ये आपकी करंट लायबिलिटी निकल गई एक, और आपको जीपी करी लिया ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का यूज आप और कर सकते हो। तो याद करो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, और ये ऑपरेटिंग रेशियो आपको दे रखा है 90%, यानी 90% यानी 100, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने यहां निकाला था, ये आपका था 7,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आपको पता करने हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको यहां दे रखा है 9,00,000, और इनटू 100 या तो यहां लगेगा या है, दोनों जगह तो लग नहीं सकता है ना, तो या तो मैं यहां से हटा दूं तो वहां लगा दूं, या वहां से हटा के यहां लगा, तो मैं यहां से हटा देता हूं इधर लगा देता हूं, है ना, यहां वन ही कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × 9,000, 3 और 1 4 तो 0 हो गए, और 9 9 जा 81, तो ये हो गया 8,10,000, और यह है 720 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये 720 वहाँ जाके लेस हो जाएंगे तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाएंगे 90,000। ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल गए, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो लिखा है कि टाइम लैग इन एक्सपेंसेस 1 मंथ है, 1 महीने का। अब 1 महीने का ये तो पूरे 12 महीने के हैं, पूरे साल के खर्च हैं, डिवाइड बाय 12 इसको कर दीजिए तो ये 1 महीने के भी निकल जाएंगे, ये निकलेंगे 7,500। ये भी आपकी एक करंट लायबिलिटी है, ये टाइम लैग है क्योंकि इसका पेमेंट नहीं किया, टाइम लैग है, लैग का मतलब होता है डिले, तो ये आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब। तो अब आपकी देखिए करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं और आपकी करंट लाइब्रेरीज कौन कौन सी, अपन को थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ेगा। और क्या दे रखा है, एक आपको दे रखा है लिक्विडिटी रेशियो, तो लिक्विडिटी रेशियो का क्या यूज कर सकते हैं देखें अपन। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन, सॉरी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइब्रेरी, और ये रेशियो आपको दे रखा है 1.8:1। अब लिक्विड एसेट तो हमारे पास है नहीं, करंट लायबिलिटी अभी तक जितनी क्वेश्चन में है दो ही हैं, एक तो करंट लायबिलिटी हमने निकाली थी, एक तो हमने निकाली थी क्लोजिंग ट्रेड पेएबल 75,000, और एक निकाली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो करंट लायबिलिटी दो हो गई, एक तो ये 75 और एक ये 7,500, टोटल हो गए 82,500।
इक्वल्स टू 1.8:1, देख लो करंट लाइबिलिटी अपनी 2 निकली है। अब बीच में इक्वल्स टू का साइन है तो इससे आप लिक्विड एसेट्स अपनी निकाल सकते हैं, तो लिक्विड एसेट्स आपकी निकल जाएंगी 82,500 इंटू 1.8 दैट इज 148,500, ये आपकी निकल गई लिक्विड एसेट्स। और लिक्विड एसेट्स में अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दूं, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000, तो लिक्विड एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दूं तो करंट एसेट्स निकल जाता है, ये निकल गया 2,53,500, ये आपके करंट एसेट्स आ गए। अब क्वेश्चन में यदि अपन ध्यान से देखेंगे कि करंट एसेट्स अपनी सारी निकल चुकी हैं, वैसे तो स्टॉक भी निकला है, ट्रेड रिसीवेबल भी निकला है, तो मैं कैश भी निकाल सकता हूँ, और अदरवाइज 2,53,500 आपकी करंट एसेट निकल चुकी है और करंट लाइबिलिटी आपकी 82,500 निकल चुकी है। तो 253,500 में से यदि आप 82,500 लेस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल गई 1,71,000। और आप चाहते हो नहीं सर मैं तो अलग अलग भी देखना चाहता हूँ कितनी है, तो हम इसमें से पहले तो ट्रेड रिसीवेबल कितने कैलकुलेट किए, ट्रेड रिसीवेबल आपने कैलकुलेट किए 1,20,000, करंट एसेट्स इन्वेंट्री कितनी कैलकुलेट की 1,05,000, तो बाकी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल जाएगा, देख लो 120 एंड 15, तो 225 तो यही हो गए, 225 इसमें से लेस कर दो तो बाकी बचेगा 28,500, ये आपकी क्या निकल गई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल गई। अब आपकी टोटल करंट एसेट है, टोटल करंट लाइबिलिटी आपने यहाँ निकाली थी, ये रही टोटल करंट लाइबिलिटी और ये आपकी टोटल करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स में से टोटल करंट लाइबिलिटी को लेस कर दो तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली वर्किंग कैपिटल पूछी थी, पर आप ये देखो कि चेन कितनी लंबी है, तो आपके दिमाग में पूरी मैपिंग होनी चाहिए कि आप इस टॉपिक को कैसे चलाएंगे। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ये ऐसे एक दो क्वेश्चन करने से नहीं आएगा। तो आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देख लिया, अब आप खुद इनको लिख के करो कि आपसे ये क्वेश्चन अपने आप भी हो रहे हैं क्या, और देखो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, जब चेन बैठाना आ जाएगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।